अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह दोस्तों, आमिर कयूम खटक सिटी आर्म्स कंपनी इंडस्ट्रियल इस्टेट पेशावर से आपकी खिदमत में पेश। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था, एक रिव्यू बनाया था लोकल मेड क्लोन्स के ऊपर, लोकल मेड कॉपीज के ऊपर। मेरे बहुत सारे भाइयों ने, अल्लाह ताला उनको मजीद दर्जात अता फरमाए, बहुत सारे भाइयों ने उसमें मुझे कहा कि भाई आप तो सिर्फ ओरिजिनल वेपनरी के बनाए और हमें इंफॉर्मेशन दें, तो इस तरह नहीं है सर, इस तरह नहीं है। एक्चुअली हर बंदे की अपनी एक कम्युनिटी होती है। मेरी कम्युनिटी में इस वक्त पे बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं कि जो मौजूदा हालात के मुताबिक ओरिजिनल वेपनरी नहीं ख़रीद सकते। तो अगर वो ओरिजिनल वेपनरी नहीं ख़रीद सकते तो फिर मेरे जैसे बंदे का ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको लोकल मेड वेपनरी में एक ऐसी जगह, एक ऐसा कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बताऊं कि जहां पे उनको उनकी पसंद के और मयारी जो है वो आर्टिकल्स मिल सकें। मिसाल के तौर पे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को दिखाया था सिटी आर्म्स कंपनी का बना हुआ जनरेशन 5 का, जनरेशन 5 में ग्लॉक 15। मैंने इस वक्त इसको खोल के रखा हुआ है दोस्तों। इस ग्लॉक के प्लेटफॉर्म में ग्लॉक कामयाब ही इसी वजह से है कि इसमें चाल वाले पुर्जे बहुत ही ज़्यादा कम हैं। बहुत सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, इसमें जितना मैकेनिज्म होता है वो इसकी स्लाइड के अंदर ही होता है, ठीक है जी। स्ट्राइकर फायर पिस्टल है, जबकि इसके फ्रेम में अगर आप देखें तो आपको असेंबलीज के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये ओरिजिनल ग्लॉक है, तो मतलब आपने अगर ओरिजिनल ग्लॉक को चेक नहीं किया हुआ तो आपको ये भी ओरिजिनल लगेगा, क्योंकि ओरिजिनल ग्लॉक में ये प्लैटिनम के नहीं लगे हुए, टाइटेनियम के नहीं लगे हुए हैं। ये भी स्टील, जो भी मटेरियल यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है वहाँ पे इससे थोड़ा सा बेहतर ही होगा, अमेरिका है ये पाकिस्तान है। लेकिन जो मैकेनिज्म है इसका, चलने का जो मैकेनिज्म है, उसमें अगर आप PUF के इवन राउंड्स यूज़ करते हैं, कोई लोकल मेड राउंड्स यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये पिस्टल, दिस वुड वर्क लाइक एनीथिंग जी। क्योंकि ये आप लोगों ने प्रिंटिंग प्रेसेस विजिट की होंगी, छपाई खाने, रोटा मशीनें दोस्तों वहाँ पे मिलती हैं जिसके ऊपर 1880 की मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी, और आज भी आप लोगों की 70% जो प्रिंटिंग है वो रोटा मशीनों पे होती है। कहने का मकसद ये है कि अगर स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाए, सफाई रखी जाए, मयारी जगह से परचेजिंग की जाए, तो लोकल आर्मरी भी परफॉर्म करती है। ये मिथ्स हैं, कुछ लोगों की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं कि जो कहते हैं मेरे पास ओरिजिनल वेपन है, मैं उसको कहता हूँ और मुकाबला करके देख लेते हैं भाई। बाकी अगर बात पे आते हैं तो जी, चाइनीज को भी मैं ओरिजिनल नहीं कहता, मैं तुर्की को भी ओरिजिनल नहीं कहता। ओरिजिनल वेपनरी आप फ्रांस की ले सकते हैं, आप बेल्जियम की ले सकते हैं, आप अमेरिका की ले सकते हैं, टर्की तो हमारा यूरोपियन दर आदम खेल है। हाजी अता की भी वहाँ पे फैक्ट्री है, हाजी दरिया खान की भी वहाँ पे फैक्ट्री है, और उसके अलावा क्राल की भी वहाँ पे फैक्ट्री है, और उनका जो दिल चाह रहा है वो बना रहे हैं। पूरे दुनिया में 7.62x25mm के कार्ट्रिजेस से वह 3 मुल्कों के अलावा कहीं नहीं बन रहे, और वो आपके लिए जगाना का P9 बना के आपके लिए भेज रहे हैं। क्यों दोस्तों, इन प्रोडक्ट्स में डीलर को 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार का प्रॉफिट नहीं बच रहा होता, इसलिए आपको कहता है देसी मत यूज़ करो। दिस इज नॉट देसी, दिस इज मेड ऑन CNC मशीन्स, दाऊद संस आर्मरी, सिटी आर्मरी। ये हमारी यहाँ पे जो है वो एक एतमाद का नाम है, अभी से नहीं है, 20-20 साल पुराने हैं। तो मैं आपको जो है वो इस पिस्टल की परफॉर्मेंस भी चेक करवाऊँगा, इसका टॉलरेंस टेस्ट भी आपको चेक करवाऊँगा, और उसके बाद जो है आपका, आपकी अपनी मर्जी है, आपके पास पैसे हैं आप ओरिजिनल खरीदिए। अगर आप मेरी तरह की मुतवसत दर्जे से ताल्लुक़ रखते हैं और बार बार जाके ओरिजिनल नहीं ख़रीद सकते, तो दीज आर दी चॉइसेस जी, दीज आर दी चॉइसेस। सिर्फ उसमें मेरा मशवरा ये होगा कि जो मॉडल इंडस्ट्रियल इस्टेट पेशावर में बने हुए हैं और उन पर प्रैक्टिस हुई हुई है, उन्हीं को यूज़ करें। जो नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उस तरफ मत जाएँ। अभी तक HS के प्लेटफॉर्म पे, चाहे कोई भी कहे, मैं नहीं मानता हूँ, HS का प्लेटफॉर्म अभी तक कामयाब नहीं हुआ। ग्लॉक खरीदिए, ब्रीटा खरीदिए, जिगाना खरीदिए, 30 बोर में जिगाना इज द बेस्ट। ग्लॉक में 30 बोर नहीं आता, ये सिर्फ 9mm के प्लेटफॉर्म पे कामयाब है, जबकि ब्रीटा 30 बोर 9mm दोनों के प्लेटफॉर्म पे कामयाब है। प्राइस वाइज दोस्तों, इसमें इस पिस्टल में आपको इंडस्ट्रियल इस्टेट पेशावर में या दरा में या कहीं पे भी आपको 20,000 का पिस्टल भी मिल जाएगा, जबकि मैंने इसकी प्राइस आपको भी 35-40 के करीब बताई थी, इसकी क्वालिटी की वजह से बताई थी। इसमें इससे भी महंगा है,
इसमें अगर आप इस दिस इज कंपेटेबल विद स्मिथ एंड वेसन SW9E, अगर इसमें आप जो है वो ओरिजिनल बैरल डलवा दें तो दिस इज एज गुड एज ओरिजिनल जी। और एक चीज फर्दर, और दिस इज द बफर स्प्रिंग, रिकॉइल स्प्रिंग ऑफ ग्लॉक 19 जनरेशन 5, मैं आपको ओरिजिनल में पैदा कर दूंगा जी। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कहाँ पे 3.5 लाख रुपए, कहाँ पे 50,000 रुपए। तो दोस्तों मेरी मेरी ज़ील को बराए मेहरबानी समझिए। और मैं आखिर में इस वीडियो के आखिर में ये भी बता दूं कि बरकी आर्मरी इंटरनेशनल सिटी आर्म्स पेशावर मेरे लिए दे आर बोथ एंड सेम, वो भी मेरे भाई हैं, ये भी मेरे भाई हैं, और मेरा किसी भी बिजनेस से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, ये सब मैं एक झील के तहत कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।